और मैं मम्मी कसम खा के बैठो, मैं अयोध्या से दिल्ली से स्पेशली पठान देखने के लिए आया। हॉलीवुड वाला मजा है, बॉलीवुड के फ्लेवर में बहुत अच्छी मूवी है, जाके देखिए, अपने फैमिली के साथ देखिए। और मैं मम्मी कसम खा के बैठो, मैं अयोध्या से दिल्ली से स्पेशली पठान देखने के लिए आया। मतलब स्पेशली मैं दिल्ली से लेकर इधर सर सिर्फ पठान देखने आया हूँ मम्मी कसम, और कोई रीज़न नहीं है मुंबई आने का। मुंबई मतलब पठान मेरी जान, शाहरुख खान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ। मतलब जो है ना कुछ चूतिया जो बाइकआउट करने को बोल रहे हैं ऐसा, अगर कसम से वो कुछ नहीं उखाड़ सकते। अभी आपको शाम तक का रिजल्ट देखना कितना मतलब ये कमाती है, ठीक है ना। इतना कहूँगा, पठान जैसी मूवी बॉलीवुड ने बहुत सालों बाद दी, और ऐसी मूवी साला आएगी अगर शाहरुख खान देगा तो ही आएगी। आई लव पठान, थैंक यू। बिल्कुल एकदम बेस्ट, हॉलीवुड वाला मजा है, बॉलीवुड के फ्लेवर में। और शाहरुख की एक्टिंग कैसी लगी? जबरदस्त, नो वर्ड्स। और जो सलमान और शाहरुख एक साथ दिखाए गए, अरे भाई वो तो करण अर्जुन वापस आ गए, भाग पठान भाग। बहुत अच्छी मूवी है, जाके देखिए, अपने फैमिली के साथ देखिए, और एक्शन मस्त है मूवी का, और जो उन्होंने स्टोरी बनाया है वो बाकी मूवी से कैसे कनेक्ट किया, वो लोगों ने अच्छा लॉजिक दिया उसका कि क्या क्यों हुआ है वो ऐसा सब। अच्छी मूवी, अब देखते हैं। टाइगर 3 के लिए हम एक्साइटेड है। ये मूवी में कुछ तो था ऐसा जो वो मूवी के लिए मतलब और ये क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू भाई। तो 3-4 साल के बाद आज पठान रिलीज़ हुई है, मतलब कि बहुत अच्छा उनका कमबैक हुआ है मूवी में, और जो कि डॉन टू मेरी फेवरेट मूवी रही है, तो उनका जो हेयर स्टाइल था वही सेम टू सेम इसमें भी उन्होंने कैरी किया है, और डॉन टू में जैसी एक्शन थी उसे भी 2x 3x हमें इसमें देखने को मिल रही है, उससे ज़्यादा पावर देखने को मिल रहा है, और पठान हमारे इंडस्ट्री में सबसे अच्छा रिकॉर्ड बना सकती है, तो पठान के लिए थम्स अप।